शुलिनी यूनिवर्सिटी के छात्र कार्तिक चौहान ने आधुनिक तकनीक वाले पॉलीहाउस का मॉडल बनाया है। इस मॉडल को कार्तिक ने आईआईटी मंडी में हुए तीसरे राज्य स्तरीय साइंस कांग्रेस में प्रदर्शित भी किया। पॉलीहाउस की खासियत यह है कि इसमें एक ही समय में दो अलग अलग मौसमों की सब्जियां उगाई जा सकती हैं। यह संभव हो पाया है पॉलीहाउस के बीच में लगाई गई एडियाबैटिक वॉल से। कार्तिक ने एडियाबैटिक वॉल की सहायता से पॉलीहाउस को दो भागों में बांट दिया है। इससे पॉलीहाउस के दो भागों में एक ही समय में अलग अलग तापमान रहेगा। ऐसा होने से आप एक ही पॉलीहाउस में दो अलग अलग मौसमों की सब्जियां उगा सकेंगे। इससे पहले ऐसा करने के लिए आपको अलग अलग पॉलीहाउस लगाने पड़ते थे और वहां पर अलग अलग तरीके से तापमान को सेट करना पड़ता था, लेकिन इस नई तकनीक से अब यह काम एक ही पॉलीहाउस में हो पाएगा। वहीं कार्तिक ने इस पॉलीहाउस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी जोड़ा है। पॉलीहाउस के रूफ पर एक वाटर स्टोरेज टैंक लगाया गया है, जिसमें बारिश के साथ साथ ओस का पानी भी इकट्ठा होगा और जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। सर, ये जो सर मॉडल है, सर ये हैचबैक कार इंस्पायर्ड बेस्ड मॉडल है। सर, ये पॉलीहाउस है सर, जिसमें सर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स है इसमें। सर, वन तो सर वाटर हार्वेस्टिंग जो आजकल सर मेन प्रॉब्लम है, एंड सर सेकेंड है सर इसका एयर स्टेबिलिटी, एंड सर थर्ड है सर इसका टू डिफरेंट सीजनल क्रॉप्स एट सेम टाइम। हम दो अलग अलग सीजन की क्रॉप इकट्ठे इसमें लगा सकते हैं। इसमें से एडियाबैटिक वॉल इंस्टॉल की गई है, जिसमें दो अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। एंड सर, इसमें सर इसका स्ट्रक्चर हिसाब से बनाया गया है कि रात को ओस का पानी हो, बारिश का पानी, सर वो सारा आपका स्टोरेज टैंक में आएगा। और जो इसका सर स्टोरेज टैंक है, इसकी खासियत यह है कि इसका स्टोरेज टैंक इसी के रूफ पे है। सर, रूफ के होने के बाद सर जो इसके एक सर्टेन कैपेसिटी है, उसको इस स्ट्रक्चर को सर वो जो पानी उसमें कलेक्ट होगा वो एक वेट भी प्रोवाइड करवाता है, जिसको थोड़ा स्टेबल भी बनवाता है। जो सर हमारे पुराने मॉडल्स हैं, जैसे सर आप देख सकते हैं इसमें, वो उसमें नहीं है, इसमें ये चीज़ फैसिलिटी नहीं है। और सर, एक सर्टेन कैपेसिटी के बाद हम इसको अलग अलग स्टोरेज टैंक में और भी स्टोर कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू। नई तकनीक वाले पॉलीहाउस में एक खासियत और जोड़ी गई है। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हवा का असर भी इस पर ना पड़े। अमूमन प्रदेश में लगे पॉलीहाउस तेज हवाओं के कारण धराशायी हो जाते हैं, लेकिन कार्तिक का दावा है कि जो डिजाइन उसने तैयार किया है वो हवा को चीरने की क्षमता रखता है। इससे पॉलीहाउस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ ही कार्तिक का यह भी दावा है कि इसके निर्माण में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा। जितनी लागत में अभी पॉलीहाउस लग रहे हैं उतनी। सर, ये जो सर मॉडल है, सर ये हैचबैक कार इंस्पायर्ड बेस्ड मॉडल है। सर, ये पॉलीहाउस है सर, जिसमें सर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स है इसमें। सर, वन तो सर वाटर हार्वेस्टिंग जो आजकल सर मेन प्रॉब्लम है, एंड सर सेकेंड है सर इसका एयर स्टेबिलिटी, एंड सर थर्ड है सर इसका टू डिफरेंट सीजनल क्रॉप्स एट सेम टाइम। हम दो अलग अलग सीजन की क्रॉप इकट्ठे इसमें लगा सकते हैं। इसमें से एडियाबैटिक वॉल इंस्टॉल की गई है, जिसमें दो अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। एंड सर, इसमें सर इसका स्ट्रक्चर हिसाब से बनाया गया है कि रात को ओस का पानी हो, बारिश का पानी, सर वो सारा आपका स्टोरेज टैंक में आएगा। और जो इसका सर स्टोरेज टैंक है, इसकी खासियत यह है कि इसका स्टोरेज टैंक इसी के रूफ पे है। सर, रूफ के होने के बाद सर जो इसके एक सर्टेन कैपेसिटी है, उसको इस स्ट्रक्चर को सर वो जो पानी उसमें कलेक्ट होगा वो एक वेट भी प्रोवाइड करवाता है, जिसको थोड़ा स्टेबल भी बनवाता है। जो सर हमारे पुराने मॉडल्स हैं, जैसे सर आप देख सकते हैं इसमें, वो उसमें नहीं है, इसमें ये चीज़ फैसिलिटी नहीं है। और सर, एक सर्टेन कैपेसिटी के बाद हम इसको अलग अलग स्टोरेज टैंक में और भी स्टोर कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू। पोलस्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताजा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।